कंफर्मेशन जरूरी होगा। स्टार्क ने तुम्हें ये चश्मा दिया और चुनने का हक भी। मुझे ये फैसला करना है ओके, और मैं एक करके रहूंगा। आप एक सोल्जर हो, एक लीडर हो, आपने एलिमेंटल्स को रोका, मेरी जान बचाई, दुनिया को बचाया ओके। वो होते तो वो भी यही चाहते। पीटर कन्फर्म करो। कन्फर्म। अवेंजर्स में आपका स्वागत है। अच्छे लग रहे। इस सब के लिए शुक्रिया। हाँ मिस्टर स्टार्क को आप बहुत पसंद आती है। तो आप कहाँ जाओगे? एमजे के पास जाऊंगा। गुड लक पीटर। टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे चांसेस बहुत कम है। वो तो है। फिर मिलते हैं। हाँ जरूर मिलेंगे। देखा कितना आसान था ये। और कोई आकर इस स्टूपिड कॉस्ट्यूम को उतार जल्दी। ओके अब ये एडिट हमें मिल गया है, इसे सिस्टम से कनेक्ट कराओ। ओके ये बहुत बड़ी जीत है, पर अभी बहुत कुछ करना बाकी है। यस ओके टोस्ट। लाओ मुझे तो डॉक्टर। ये जाम उस आदमी के नाम जो हम सबको साथ आया, हमारा पुराना बॉस टोनी स्टार। एक बिगड़ा हुआ रईस जिसके पास थी बेशुमार दौलत और टेक्नोलॉजी जिसका वो कतई हकदार नहीं था। पता है वो होलोग्राफिक सिस्टम मेरी इजाद थी, इस सदी की सबसे जबरदस्त खोज जो कहीं भी काम आती। लेकिन टोनी ने अपने फायदे के लिए उसे यूज किया और नाम रखा बाइनरी ऑगमेंटेड रेट्रो फ्रेमिंग यानी बर्फ। और $1,000,000 मेरे छोटे से एक्सपेरिमेंट के लिए। उसने मेरी मेहनत को अपना नाम दिया बार्फ। मैंने कहा उससे ऐसा मत कर, मेरी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया बदल सकती है। लेकिन उसने मुझे निकाल दिया ये कहकर कि मेरा दिमाग खराब। टोनी के नाम और विलियन के नाम टोनी स्टार्क ने से गुफा में बैठकर बनाया था, वो भी अकेले, वो भी कमाल से। मेरी इल्यूजन टेक्नोलॉजी और तुम्हारे हमलावर ड्रोन्स का मेल कसम का था। झूठा भ्रम फैलाना, असली तबाही मचाना एक जादू की तरह। तुम असली जादूगर हो। थैंक यू ब्रदर। और अब क्यूटरमैन, तुमने जो कहानी गढ़ी दूसरी पृथ्वी से आए योद्धा क्विंटन की, जो यूरोप में एलियन से लड़ता है, बिल्कुल ही बकवास थी। मगर ऐसी चीज थी जिस पर लोगों ने आसानी से यकीन कर लिया और सब लोग सच मान बैठे। और विक्टोरिया, हर हमले के दौरान नकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें बनाना ताकि फ्यूरी की सैटेलाइट को हम गुमराह कर सके, काबिले तारीफ था। और तुम जेनिस, टोनी के मरने के बाद इसी ने पता लगाया उसका एडिट प्रोजेक्ट किसे सौंपा जाएगा। वो हम नहीं थे, ना ही डिफेंस मिनिस्ट्री थी, बल्कि एक बच्चा था। थैंक यू। और अब टोनी स्टार्क के जाने के बाद कोई ना कोई उसकी जगह जरूर लेना चाहेगा और यही एक मौका है। और आप लोग तो जानते हैं दुनिया में आप सबसे काबिल हैं, सबसे अकलमंद है, फिर भी आपको कोई नहीं पूछता। हाँ अगर आप कॉस्ट्यूम पहनकर उड़ने लगे, अपने हाथों से शूट करने लगे, तो पूरी दुनिया आपको पूछेगी। वेल अब तो मैं उड़ भी सकता हूँ और लेजर भी है। हमारी टेक्नोलॉजी और एडिट के साथ मिस्टीरियो इस पृथ्वी का सबसे ज्यादा ताकतवर हीरो कहलाएगा। yes! और फिर सारी दुनिया हमारी सुनेगी, ना कि किसी बददिमाग अड़ियल शराबी की। yes! और ना ही किसी प्यार में पागल लड़के की। yes! ये जाओ आप और आपके हुनर के नाम, हमारे नाम, मिस्टीरियो के नाम, बेचारा। चलो काम पर लग जाओ।